करते हैं, ये आपका काम है, मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुँचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक वहाँ से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया वो मोटिव चूंकि हम लोगों को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोगों ने कंफर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम एक जो अपराधी है उसके द्वारा अपने मोटिव में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पॉर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति उपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट एक एक्सीडेंट हो गया, लोग बताता है, तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं, बिकॉज दिस इज सच अ ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पर आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने के दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा। हर तबके ने, पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ। दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज, और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में विल कुक अप। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर ये चाह रहे हैं खोजना त्रुटियाँ तो आप खोज सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग के पास एविडेंसेस है, हम लोग के पास व्यक्ति है, और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है, वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि उस वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो, हर गोली चलाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे वन से मान के चल रहे थे इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स फॉर इटसेल्फ, जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा, दिस इज हाउ इट हैज़ ओपन्ड। और जो तीन अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे तो स्थितियाँ और क्लियर होंगी, और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये मोटिव बताता है इसको और बल मिलेगा। कि उनकी क्या क्रिमिनल, जैसे मैं आपको बताया कि ये व्यक्ति गिरफ्तार है, इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही हैज़ नॉट वेंट टू फुलवारी, ही हैज़ नॉट गॉन टू प्योर, ही हैज़ नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाढ़ में, ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग अनुसंधान में आया है मोटरसाइकिल चोरी करता है, भाई पुलिस के बाद पकड़ा नहीं गया। बताया कि किसी के इमोशनल, किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सब दो चीज़ फिलहाल अभी तक नहीं आया। इसकी पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रम को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज़ देखी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपये कोई न्यूज़ चैनल पर चला था। तो ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। और पकड़ा जाने के बाद जब इसने खुलासा किया तो खुलासा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया, ये जो फुटेजेस हैं ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके बाद जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बरामद कपड़ा है, वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है, उसको हम मैच कराएंगे, इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। ये वापस नहीं आया और तीन फरार नहीं है, इसको आपको क्रैक करना है। मेहनत इसमें काफ़ी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया है। अलग अलग जगह पर रहा था, कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाहर, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया, घर वालों को बताया हम बाबा धाम घूमने आए हैं,
ये घर वाला का भी बयान हम लोग के पास है। सर जो मोबाइल ये यूज कर रहा था उसमें आईडी पर अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि सीसीटीवी कैमरास और आदमी में बहुत डिफरेंस है, हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर इसका? नहीं, एक सवाल ही नहीं समझे आपका। नहीं, मतलब पुलिस के लिए, हाँ, और पब्लिक के लिए। हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है, हाँ। उससे हम लोग को अलग अलग लेसन मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोग ने चीज़ नोटिस किया होगा कि दौरान हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर व्हाट डू वी शेयर। तो जब हमारे पास चीज़ें हैं तो आपको हम लोग बता रहे हैं। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करता है, महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी डिस्पोजल करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसके बारे में पता किया गया कॉलोनी में इसके अपने सर्कल में, तो हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है। जब तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी उस पर चलता है। आप देखिए, इस जी गाड़ी से अपराध किया है, ये गाड़ी भी चोरी की है। पहले जो नंबर चल रहा है वो दरभंगा या किसी अपाची का है, और जो बाद में नंबर जो चल रहा है वो किसी गाड़ी का है ही नहीं। ये बताते हैं एजिस बैंक में काम करता है, जयपुर का मैंने सर्टिफिकेट देखा है। बैंक में काम करते संबंध में मेरे को कागज़ नहीं मिला है, लेकिन इसके फादर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 2016 में ये वापस आया है। बीए किया है, सनराइज यूनिवर्सिटी कोई है जहाँ से बीए ज्योग्राफी में किया है इसने। 2015 का सर्टिफिकेट मैंने देखा है। अरे भाई, स्टील हटाइए बीच में से। मोबाइल इतना घुस गया, कौन मोबाइल से घुसे यार? आगे वाले आगे कौन है? आप जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है, ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से टीवी की माइक लाओ। इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है, कैसे नहीं पहचान लेते। गाड़ी का नंबर याद था आपको? कुछ तो जानकारी। किस कार था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? गाड़ी का नंबर याद था? वहाँ बनाएगा, वहाँ उसका आएगा। अच्छा, गोली किसने मारी? एसएसपी सर, आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था, ये गोली नहीं आप पूछिए, आप पूछिए बताइए। तो गाड़ी का नंबर बताओ भाई, गाड़ी का नंबर याद था आप लोग? अरे भाई, हाँ तेज कीजिए। ए नीरज, नीरज हाँ तेज कर भाई। लोगों के लिए कौन है? ट्राइपॉड कटाइए।